रेडमी नोट 7 प्रो के यूजर्स आज बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हैं इस रोम के रिव्यू के बाद, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर नहीं है और वो चाह के भी पिक्सल एक्सपीरियंस को अपने फ़ोन के अंदर फ्लैश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके पहले जितने भी अपडेट आए थे पिक्सल एक्सपीरियंस के उन सभी के लिए हमें जो यूएसबी की रिकवरी की जरूरत पड़ रही थी और कंप्यूटर का, तब जाकर हम ओटी अपडेट या फिर रोम को फ्लैश कर पा रहे थे। बट भाई यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत अच्छा सा अपडेट आया है, भले ही ये मोड वर्जन है लेकिन सारा चीज लोग और सारी चीज़ें मैच करेगी आपकी ऑफिशियल से। बस इसमें है जो हटा दिए गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि आपके लिए प्रॉब्लम साबित हो रहे थे। तो चलिए पता करते हैं कि इस रोम को फ्लैश कैसे करना है, क्या कुछ आपको वर्किंग मिलता है और क्या बेनिफिट है इसका। तो गाइज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इसके अबाउट के सेक्शन पे, जहाँ पे आपको एंड्रॉइड वर्जन 10 देखने को मिल रहा है। 1 जनवरी 2020 का आपको सिक्योरिटी पैच लेवल है। 1 सितंबर 2019 का यहाँ पे गूगल प्ले सिस्टम अपडेट है। साथ साथ किरनेल है जो पिक्सल प्लस का यूज किया गया है। ब्यूल डेट की अगर हम बात करें तो आप देख पाओगे है जो यहाँ पे 2119 का, और 2119 का एक ऑफिशियल अपडेट आया था उसी का ये अनऑफिशियल वर्जन है। जी हाँ, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो रिमूव की गई है ताकि आप इसे डेली लाइफ में यूज कर पाओ विदाउट कंप्यूटर के हेल्प के, तो इसलिए यहाँ पे अनऑफिशियल का टैग लगा है। आप इसे मॉडिफाइड भी कह सकते हो, मोड भी कह सकते हो या अनऑफिशियल भी कह सकते हो, बट ये प्योर बेस्ड है आपके ऑफिशियल 19 के बिल्ड के ऊपर। ठीक है, तो बैक की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 10 का फुल बेनिफिट देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे अभी सिस्टम अपडेटर हटाया गया है क्योंकि एक अनऑफिशियल वर्जन है, बट इन फ्यूचर आपको जो इसका ओटी अपडेट भी मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि साफ साफ बताया गया है कि इन फ्यूचर ये प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पे आपको डिजिटल वैल्यूज बाकी सारी चीज़ें पिक्सल वाले सब कुछ देखने को मिल जाता है। और जैसा कि बहुत सारे यूजर्स कहते हैं कि भाई जो यूएसबी रिकवरी वाला अपडेट आता है ऑफिशियल, उसे हम फ्लैश करते हैं तो एरर देता है या फिर फ्लैश करते हैं तो फिंगरप्रिंट हमारा काम नहीं करता है। बट यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है, जब आपको ना ही यूएसबी रिकवरी की जरूरत है और ना ही फिंगरप्रिंट को टाटा बाय बाय कहने की जरूरत है, क्योंकि फिंगरप्रिंट आपको फुल्ली वर्केबल है और आप इसे इजीली फ्लैश भी कर पाओगे। रही बात फेस अनलॉकिंग की, तो बहुत सारे यूजर्स कहते हैं भाई कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि गूगल की तरफ से डिसेबल कर दिया गया है, तो आपको इन फ्यूचर कभी भी देखने को नहीं मिलने वाला है जब तक कि गूगल खुद से प्रोवाइड नहीं कर देता। ओके, यहाँ पे साउंड के अंदर आते हैं तो नीचे की ओर आपको वही सारी चीज़ें देखने को मिलती है जैसा कि हमें ऑफिशियल के अंदर देखने को मिलता था, क्योंकि ऑफिशियल का ही मोड वर्जन है ये। आईग्राटेड डिस्प्ले पे तो आपका जो वॉलपेपर स्टाइल वगैरह फुल्ली आपको वर्केबल देखने को मिलता है, जहाँ पे पिक्सल के बहुत सारे वॉलपेपर यहाँ पे अवेलेबल हैं जहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन पैनल के अंदर ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि हमें ऑफिशियल के वर्जन के अंदर भी है जो देखने को मिलता है। बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आपको टैप टू बैकअप और अडॉप्टेड ब्राइटनेस वगैरह देखने को मिलता है। आप यहाँ पे इजीली वीडियो कॉल कर पाओगे, जियो के नेटवर्क है जो यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता है। साथ ही साथ वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ आपको जो फुल्ली वर्केबल मिलता है। बाय डिफॉल्ट ऑफिशियल में जैसा कि कैमरा आपको मिलता है पिक्सल का सेम वही कैमरा आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पे जो पिक्सल के कैमरा को यूज कर पाओगे, आपको इधर उधर फाइंड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आपको L1 का सपोर्ट भी मिलता है, तो आपको यहाँ पे कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सारी चीज़ें जो फुल HD कंटेंट है जो प्ले कर पाओगे, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाला है। वहीं पर नेट सेफ्टी की बात करें तो आपका नेट सेफ्टी भी यहाँ पे पास मिलता है। अगर आप बैंकिंग ऐप वगैरह यूज करते हो, भीम UPI वगैरह जो भी, तो कोई भी इशूज आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि नेट सेफ्टी बिल्कुल ही पास किया गया है, तो आप फेल नहीं होने वाले हो, आप भी पास होने वाले हो। ठीक है, रही बात पबजी की ग्राफिक्स की कैसा हमें मिलता है, तो चलिए पबजी के ग्राफिक्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि पबजी यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो गाइस, पबजी में भी आपको गुड न्यूज मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेम रेट हाई है और ग्राफिक्स आपको HD पे देखने को मिलता है, तो इस लेवल पे आप पबजी को आराम से प्ले कर पाओगे, मजे से, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाला। अब आते हैं इसके फ्लैशिंग के स्टेप्स पे, क्योंकि जो भी चीज़ें थी सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब फ्लैशिंग के लिए आपको जो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके आपका रिकवरी ओपन करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे मैं अभी पिच ब्लैक रिकवरी यूज कर रहा हूँ, तो आप इसका यूज करो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है रेडमी नोट 7 प्रो के डिवाइस के अंदर, क्योंकि ये परफेक्टली काम करता है। उसके बाद आपको वाइप पे सेशन पे जाना है, एडवांस वाइप पे जाना है, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन नजर आ रहे हैं सभी को आपको सेलेक्ट कर लेना है सिवाय इंटरनल स्टोरेज, माइक्रो SD और USB को छोड़कर। ओके, अब यहाँ पे आपको स्वाइप कर देना है। कंप्लीट वाइप हो जाने के बाद आपको अपने रोम के पास जाना है, जहाँ पे भी आपने रोम को डाउनलोड करके रखा है। तो हमारे थे रोम की तरफ, ये रहा हमारा पिक्सल एक्सपीरियंस वॉलेट 2020 120 GB, जिसे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फ्लैश कर देना है। अगर आपको मे बी एरर 7 देखने को मिल रहा है तो आप FW का यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो आप सिंपली वाइप करके इसे फ्लैश कर पाओगे।
सो यहाँ पे कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद आपको सिंपली रूट पे टैप कर देना है और थोड़ा सा वेट करना है। तो मैं आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट अटैच करके भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ा गुड न्यूज उन यूजर्स के लिए हो जाता है जो कि iOS पे रिकवरी की वजह से पिक्सल एक्सपीरियंस को यूज नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे अब आप है भाई आराम से यूज कर सकते हो टीपल ऑफिस से फ्लैश करके इसे डेली लाइफ में, और सारा चेंज लोग वगैरह सब कुछ आपको सेम टू सेम मिलने वाला है ऑफिशियल रिकवरी सॉरी ऑफिशियल पिक्सल एक्सपीरियंस वाला, क्योंकि उसी को जो मॉडिफाइड करके अलग तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो इजीली जो इसे फ्लैश कर पाए। सो गाइज अगर आप रियल में इम्प्रेस हो इस अपडेट को लेकर और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है एक थम्स अप जरूर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अगर आप लोग जो लाइक नहीं करोगे शेयर नहीं करोगे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई वीडियो देने का मजा नहीं आता है। तो आप लोग जितना हेल्प करोगे सपोर्ट करोगे उससे बेटर सपोर्ट हम लोग है जो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो फिंगरप्रिंट अटैच करने के लिए पासवर्ड इन कर दिया और फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन आ गया और फिंगरप्रिंट भी इजिली काम कर रहा है। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो लेकर Redmi Note 7 Pro के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।